बात करते हैं डिश टीवी के बॉक्स की। अगर आपके बॉक्स में रेड लाइट नहीं आ रही है, लाइट आ रही है पर रेड है, ग्रीन नहीं हो रही है, या आपका डिश टीवी का बॉक्स बार बार ऑन ऑफ होता है, या आपका रिमोट ठीक है लेकिन वर्क नहीं कर रहा है और फॉल्टी व्यूइंग कार्ड आ रहा है, या नो सिग्नल की प्रॉब्लम है, या फिर आवाज़ आ रही है चित्र नहीं आ रहे, चित्र आ रही है तो आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ बहुत डिस्टर्बेंस के साथ आ रही है और आप बहुत परेशान है यार, करने वाले हैं कस्टमर केयर में कॉल, तो भाई 5 मिनट ठहर जाओ, 5 मिनट इस वीडियो को दे दो, मैं 5 मिनट में आपके सारे समाधान कर दूंगा और 5 मिनट में ये जो वीडियो है ये आपके बहुत काम आने वाली है। सिर्फ 5 मिनट दे दो, कंटिन्यू वीडियो देखना, इसकी मत करना, स्टेप बाई स्टेप मैं फॉल्ट आपको बताता जाऊँगा और उसके बाद आप जो घर पर कर लोगे, आपको मैकेनिक की ज़रूरत नहीं है यार, मैकेनिक कुछ नहीं करेगा इसमें, आप खुद कर लोगे, बस मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, 6-7 ये फॉल्ट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 7-8 टिप आपको दी हैं, इनकी वजह से आप अपना सेट टॉप बॉक्स ठीक कर लोगे और वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने तक सीमित मत रखना। और ये जो मैंने बताया आपको, ये डिश टीवी में ही नहीं, एयरटेल में, टाटा में, या जितने भी सेट टॉप बॉक्स हैं एडोप्टर वाले और कार्ड वाले, इन सब पे यही फॉर्मूला लागू होगा। ज़रूरी नहीं है आप कोई भी सेट टॉप बॉक्स इसी की तरह ठीक कर लोगे, वो डिश टीवी हो, टाटा स्काई हो, एयरटेल हो, डैन हो, हच हो, जो भी सेट टॉप बॉक्स है ठीक इसी की तरह वर्क करेगा और इसी की तरह ठीक भी होएगा। बस छतरी और सिग्नल अलग हैं उसके और बॉक्स अलग है, लेकिन काम करने का तरीका सब बॉक्सों का एक ही तरह का है। सैटेलाइट से उनको सिग्नल लेने होते हैं और आपको पिक्चर दिखानी होती है, तरीका सबका एक ही है, बस कंपनी के नाम चेंज है। काम करने का तरीका वही है तो ठीक करने का तरीका भी एक ही लागू होगा, जो आपको बता दिया गया है उसी तरह से आप उसको फॉलो करोगे तो कोई भी सेट टॉप बॉक्स, कोई भी प्रॉब्लम आप ये इससे रिलेटेड होगी वो सॉल्व कर लोगे। और सबसे बड़ी बात तो ये, आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद जो आपको अंदर की खुशी होगी, जो आप महसूस करोगे कि यार मैंने सेट टॉप बॉक्स ठीक कर लिया आज, यार मैंने ये काम कर लिया आज, तो उसकी तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते, वो आपको कितनी खुशी देगी अंदर से। और भाई वीडियो अच्छी लगे तो दिल से कह रहा हूँ शेयर कर देना, 4 लोगों का और भला करोगे तो दुआएं देगा कोई भी। फर्स्ट प्रॉब्लम आती है हमारे बॉक्स में लाइट ही नहीं आ रही, तो लोग क्या करते हैं मैकेनिक के पास ले जाते हैं, भाई यार इसमें देखना लाइट ही नहीं आ रही, तो आप घर पर ही सबसे पहले अपना एडोप्टर चेक करो। 99% लोगों के एडोप्टर ख़राब होते हैं, कोई 9 वोल्ट निकाल रहा होता है, कोई 10 वोल्ट निकाल रहा होता है, या फिर कोई 0 वोल्ट निकाल रहा होता है। तो सबसे पहले अगर आपके बॉक्स में लाइट नहीं आ रही है तो सबसे पहले आप एडोप्टर चेंज करेंगे। सेकंड फॉल्ट में क्या है कि लाइट तो आ रही है, रेड लाइट जल रही है आगे डिस्प्ले पे, यहाँ पे रेड लाइट दिखाई दे रही है लेकिन ग्रीन नहीं हो रहा है, रिमोट से कर रहे हैं लेकिन ऑन नहीं हो रहा है। तो भाई बॉक्स खोल लो अपना, बॉक्स खोलने के बाद देखो जिस तरह से मैंने क्लीन किया हुआ है ना, इस पर बहुत सारी डस्ट थी, बहुत सारी धूल थी, बहुत सारा मॉइस्चर था, इसको मैं पानी के नीचे ले गया, टूटी से मैंने इसे अच्छे से धोया वॉश करके वॉशिंग पाउडर से और 1 घंटा रख दिया धूप में, और इसमें भी सेम प्रॉब्लम थी, रेड लाइट थी, ग्रीन नहीं हो रहा था, लेकिन अब ये बॉक्स ठीक है। मैंने सोचा यार दोस्तों को बता दूँ, मैं तो कस्टमर से 200 रुपये ले लूँगा अभी, लेकिन आपके पैसे बच जाए, आप घर पे ठीक कर लो। अगर ये बंदा मेरी वीडियो पहले देख रहा होता तो ये भी आज मेरे पास नहीं लाता, ये अपने 200 रुपये सेव कर लेता। कस्टमर केयर ने 435 रुपये बताए इसको और मैंने बोला उसके आप में कर देंगे भाई, लेकिन मैंने भी क्या किया, जाने के बाद उसको धोया अच्छे से और अब सुखा दिया धूप में 1 घंटा और उसके बाद चला रहा हूँ तो ये बिल्कुल ओके हो गया है। थर्ड फॉल्ट, बार बार ऑन ऑफ हो रहा है, बार बार ऑन ऑफ होने में भी 90% हमारे एडाप्टर का हाथ होता है, किसी कई बार इसके अंदर जो सर्किट लगा है वहाँ पे कंडेंसर वीक पड़ जाते हैं तो शुरू में ऑन हो जाता है, लेकिन जब लोड पड़ता है उस पर तो फिर वो 11 वोल्ट 10.5 वोल्ट पे आ जाता है, तो इस वजह से फिर हमारा सेट टॉप बॉक्स बंद हो जाता है और फिर दोबारा से रीस्टार्ट लेता है, और इस कई बार ऐसी करने से सॉफ्टवेयर भी ख़राब हो जाता है। तो आप एडोप्टर चेंज करेंगे, आपके पास एडोप्टर नहीं है तो किसी का मांग लेंगे 2 मिनट के लिए और बोलेंगे अपना मुझे ये चेक करना है, आपका जो एडोप्टर है वो पूरा करंट इसको 12 वोल्ट दे नहीं रहा होता, तो ये बार बार ऑन ऑफ होता है लाइट की कमी की वजह से। फोर्थ में क्या कि रिमोट वर्क नहीं कर रहा है आपका, रिमोट आपने चेस्ट कर लिया, नया ले आए, लेकिन डिश टीवी पर रिमोट चल ही नहीं रहा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखो ये जो पीछे आपको दिख रहा है ये
सब में होता है, डिश टीवी के बॉक्स में आईआर लिखा होता है। इसमें एक ये अपना अपनी ये एयरफोन वाली लीड या फिर कोई ओक्स वाली लीड लेके दो चार बार ऐसे कर देंगे तो ये जो जैक लगाए ना अंदर, ये जो जैक लगा इसमें जम जाता है कार्बन, उसकी वजह से आईआर यहां से क्रॉस होकर इसकी जो हमारी ये यहां पे आई लगी हुई है उस तक हमारी वोल्टेज पहुंचती नहीं है, तो इस वजह से हमारा रिमोट काम नहीं कर रहा होता है। तो यहां पे इसे दो चार बार ऐसे कर देंगे तो 99% क्या 100% आपका ये फॉल्ट क्लियर हो जाएगा कि आपका रिमोट ओके वर्क करने लग जाएगा। तो ये हो गया फोर्थ। फाइव है हमारा फॉल्टी वीविंग कार्ड। फॉल्टी वीविंग कार्ड में क्या है, हमारा जो ये कार्ड होता है जो हम इसमें यहाँ पे ऐसे डाल के रखते हैं तो इसमें आ जाता है कार्बन जो अभी देखो ये सोने की तरह चमक रहा है लेकिन ये हो जाता है काला। इसको क्या करना है, आपको ये रबड़ लेनी है, बच्चों को पेंसिल वाली रबड़ जो ये वाली, और इसको ऐसे रबिंग करनी है, इसको रब करके अच्छे से बिल्कुल सोने की तरह चमका लेना है और उसके बाद लगाओगे तो 99 आपका ये फॉल्टिंग वीविंग कार्ड की जो प्रॉब्लम है दोस्तों ये सोल्व हो जानी है। ये 99% चांस है कि आपका फॉल्टी वीविंग कार्ड खुद ही चलने लग जाए। ये बस कि करना क्या है, आपको ये रबड़ से अच्छे से साफ कर लेनी है, ये जो चिप है, ये जो हमारी चिप है इसको बहुत क्लियर कर लेना है, एकदम सोने की तरह निकाल लेना है, इसको बिल्कुल चमका देना है। उसके बाद जैसे ही लगाओगे तो फॉल्टिंग वीविंग कार्ड आपका 99% प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। सिक्स में आता है हमारा नो सिग्नल प्रॉब्लम। नो सिग्नल प्रॉब्लम क्या करते हैं लोग, मैंने देखा है, मैं घर पे कंप्लेंट पे जाता हूँ तो क्या करते हैं लोग करते हैं, ये जो हमारा ये कनेक्टर लगा हुआ है जो केबल की तार छतरी से नीचे आ रहा है, यहाँ से जाली वाली तार यहाँ तक उधड़ी हुई होती है, यहाँ तक ख़त्म हुई होती है, और हम इसको जब यहाँ लगाते हैं तो हमारी एक जाली की तार यहाँ पर टच ही नहीं होती तो हमारी LNB पे करंट नहीं जाता, करंट नहीं जाएगा तो वहाँ से वो सिग्नल देगी नहीं, तो नो सिग्नल की प्रॉब्लम आएगी। और हम सोचते हैं यार यहाँ भी तार लगी और वहाँ भी लगी है, लेकिन जाके छतरी ला देते हैं, छतरी सेट कर लेंगे हम, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप ये वाला कनेक्टर ठीक से कनेक्ट कर लोगे और इसकी जो जाली वाली तार भी इससे टच रखोगे अर्थ से और मेन तार तो अंदर जाएगी, तो आप देखोगे कि नो सिग्नल की प्रॉब्लम भी आपने सोल्व कर ली। ये अच्छे से देख लो आपका कनेक्ट अच्छे से है या नहीं है, ऐसे डिश पे जाके देख लो, ऐसे नीचे देख लो, तो 99% आप ये नो सिग्नल प्रॉब्लम भी खुद ही सोल्व कर लोगे। किसी मैकेनिक की ज़रूरत नहीं है, किसी कस्टमर केयर में कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉल्ट की तरफ। नेक्स्ट फॉल्ट होता है हमारा साउंड का, किस पिक्चर आ रही है साउंड नहीं आ रही, साउंड आ रही है तो बहुत आवाज़ आ रही है, डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये अपनी जो 3RC लीड है या HDMI लीड होती है वो चेंज कर लें, या 3RC लीड है वो चेंज कर लें। कई बार क्या होता है हमारे जो ये 3RC लीड चेंज कर लें, बोलो घटिया क्वालिटी की लगा के रखते हैं, जब लेने आते हैं मेरे पास सचिन भाई यार लीड दे दे, तो मैं बोलता हूँ 50 की है, 60 की है, 30 की, तो 30 वाली दे दे, ये 30 वाली है, ये 4 दिन नहीं चलती, ये 4 दिन ये ख़राब ही रहती है, ये नहीं कि नहीं भी ख़राब होती है कई बार, तो यार वो क्या करेगा, आप पिक्चर साफ आ रही होगी तो पिक्चर पे थोड़ी थोड़ी झिलमिलाट आएगी, साथ में ची पी की आवाज़ आ रही होगी, आवाज़ पूरी खोल देगा, टीवी की आवाज़ पूरी खोल देगा, सेट टॉप बॉक्स ही कर ले या कम है। मेथड ये है कि सेट टॉप बॉक्स की आवाज़ कर दो फुल और टीवी की रखो लिमिट की, लिमिट का मतलब है 20-30, उसके बाद सेट टॉप बॉक्स से वेरिएशन कर लो कम या ज़्यादा, उससे क्या होगा आपके सेट टॉप बॉक्स में हमिंग नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, और लीड आप चेंज कर लोगे तो वो जो शोर शराबे वाली आवाज़ आनी है ची चा पी पी वो सब ख़त्म हो जाएगा। तो ये 6-7 फॉल्ट मैंने आपको बता दिए हैं, इन ये आप ध्यान से देख लोगे, घर पे ही कर लोगे, और ये करने के बाद आप बन जाओगे 90% वाले मकैनिक और बचा लोगे अपने 435 रुपये के लगभग। और आपको जो खुशी मिलेगी ठीक करके, आपको जो अंदर से जो खुशी मिलेगी ये काम करके, उसकी तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। ये खुशी अंदर से महसूस करोगे आपके, यार मैंने अपना काम खुद कर लिया और मुझे किसी मैकेनिक की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी कस्टमर केयर वाले बंदे की ज़रूरत नहीं पड़ी, और 435 रुपये आप अपने कर लोगे सेव। तो भाई वीडियो अच्छी लगे, सलाह अच्छी लगे तो भाई दूसरों में शेयर कर देना, और जैसे मैंने ये गिफ्ट दिए हैं ना आपको, ये सब बता के मेरा अपना पर्सनल तजुर्बा था, 21-22 साल की दुकानदारी करते करते जो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को ये दूं, तो आप भी अपने तक सीमित रख लगना, आप भी इस वीडियो को शेयर करना ताकि लोगों तक ज्ञान पहुंचे, लोगों के पैसे बचें और आगे बढ़े सब। तो वीडियो अच्छी लगे तो भाई शेयर ज़रूर करना, ज़रूर करना, ज़रूर करना, लाइक करना या मत करना लेकिन शेयर करना, जितने ज़्यादा तक ये वीडियो जाएगी उतने ही लोगों का अच्छा होगा। जय हिंद।